गुजरात से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, मंत्री विश्वास सारंग की कार का एक्सीडेंट हुआ है, तो हादसे में बाल बाल बचे हैं मंत्री विश्वास सारंग। तो कार्यकर्ताओं की बैठक से लौटते समय ये पूरा हादसा हुआ और विधानसभा कांग्रेस से लौटते समय ये हादसा होना बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर गुजरात से, मंत्री विश्वास सारंग की कार का एक्सीडेंट हुआ है और हादसे में बाल बाल बचे हैं मंत्री कैलाश सारंग। तो कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए वो पहुंचे थे और बैठक के बाद जब वो लौट रहे थे इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि हादसे में बाल बाल बचे हैं मंत्री, तो विधानसभा कांग्रेस से लौटते समय ये पूरा हादसा हुआ। तो ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। गुजरात से इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, मंत्री विश्वास सारंग की कार का एक्सीडेंट होना बताया जा रहा है। तो हादसे में बाल बाल बचे हैं मंत्री जी। तो कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए वो पहुंचे थे और बैठक खत्म होने के बाद जब लौट रहे थे उस समय ये हादसा हुआ। तो ये मौके की तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज पर। तो विधानसभा कांग्रेस से लौटते समय ये हादसा हुआ है। दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। दीपक, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? जी मैं बता दूं कि 1 दिसंबर को जिस तरीके से जो गुजरात में पहले चरण का चुनाव होना, इसको लेकर मध्यप्रदेश के कई मंत्रियों को कमान सौंप दी गई है वहां पर प्रचार प्रसार करने के। वही मंत्री विश्वास सारंग को भी 4 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है और मंत्री विश्वास सारंग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं जब आज उनके हादसे का घटनाक्रम सामने आया है, गनीमत यह रही कि मंत्री सारंग इस हादसे में बच गए हैं। रॉन्ग साइड से जो है एक बड़ा टंपर आ रहा था और उनकी गाड़ी से टकरा गया। वो काकरेज में कार्यकर्ताओं की बैठक करने गए थे, उसी दौरान वह लौट रहे थे और यह हादसा हुआ है। बता दें कि 4 विधानसभा सीटों का जो है उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है और वहां पर जो चुनाव चल रहा है उस पर जो है वो लगातार कार्यकर्ताओं को ग्रूमिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं और लगातार जो चुनाव का समय है तो वहां प्रचार प्रसार के दौरान उनका आवागमन इधर से उधर जारी है। उसी दौरान ये बड़ा हादसा जो है सामने आया है। अभी तक जो है गुजरात पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार यह कोई साजिश तो नहीं थी कि किस कारण यह हादसा हुआ, क्योंकि रॉन्ग साइड से आकर और यदि रॉन्ग साइड से कोई ट्रक आता है तो इतनी तेज आता है कि किसी गाड़ी कार का ये जो एक्सीडेंट हुआ है मंत्री जी के अलावा और कौन कार में मौजूद था? जी उनके अलावा जो उनके 4-5 कार्यकर्ता जो उस गाड़ी में मौजूद थे, 5 सीटर गाड़ी है तो उसमें अन्य 4-5 कार्यकर्ता और जो ड्राइवर है वो भी मौजूद थे। गनीमत ये रही कि अभी किसी भी तरह की जन हानि होने की अभी सूचना इस पूरे मामले में नहीं आई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका जानकारी के लिए। तो मौके की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि संगठन ने गुजरात के बनासकांठा जिले की 4 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी मंत्री जी को सौंपी थी और गुजरात में अगर देखा जाए तो 182 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो पिछले कई दिनों से लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है, इसी कड़ी में मंत्री जी भी पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि मंत्री के वाहन को ट्रक ने रॉन्ग साइड से टक्कर मार दी जिसकी वजह से कार का एक्सीडेंट हुआ है।